સુરત શહેરમાં મોટી જનસંખ્યામાં શ્રમિકોનો વર્ગ રોજે રોટીની શોધ કરતા આવે છે એવામાં ગોડાદરા વિસ્તારમાં રહેતા શ્રમિકોના મોટા વર્ગ તેમની વતન વાપસીની જીદ લઈને રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા હતા। શ્રમિક વર્ગનું ટોળાને કાબુ કરવા માટે પોલીસે પણ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને લાંબી માથાકૂટ બાદ આ શ્રમિકો સમજી પોતાના ઘર પરત ફર્યા હતા। કોરોનાની મહામારીને લઈને સુરતમાં બહારથી વસેલા લોકો પોતાના વતન તરફ જઈ રહ્યા છે જેમાં સુરત ગોડાદરા વિસ્તારના શ્રમિકો રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા। વિસ્તારના શ્રમિકો જીદે પણ ચડી ગયા પોતાના વતન જવા માટે, પરંતુ પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા તેમને મોકલવાની વ્યવસ્થાની આસ લગાવી બેઠા હતા। શ્રમિકો મુજબ તંત્ર જો કોઈ વ્યવસ્થા કરે તો તેઓ તેમને માદરે વતન પહોંચી શકે, પરંતુ જાણે તેમની આશા ઉપર પાણી ફરી ગયું હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે। વતન મોકલવાની જીતની સાથે કુલ હાજર રહેલા શ્રમિકો રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા, જેને કારણે ટોળા સ્વરૂપે ઉતરેલા તમામ શ્રમિકો બિહાર ઝારખંડ રાજ્યના હોવાની જાણકારી પણ સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત થતી હતી। आपका नाम? नाम विजय कुमार राय जी है सर, झारखंड से हूँ। ये राजद वर्मा के पास 6 तारीख से हम लोग फार्म जमा करा रखा हूँ। ये टिकट नंबर हम लोग का आ गया, लेकिन हम जो नंबर नहीं आया उसका वो चला गया ब्लैक में कर रात को टिकट लेके, और हम लोग का टोकन नंबर दे रखा है फिर भी हम लोग नहीं गए। और सर हम लोग सुबह आए तो फिर बोला राजद वर्मा वहाँ पर नहीं है, 5 दिन से आ रहा है सर, हम लोग पैदल चढ़ के धूप में आते हैं, ऐसे बोलता है आजकल कर रहा है, 4 दिन से कर रहा है, धक्का खिला रहा है। पैसा लिया आप लोगों? पैसे लिया 800 रुपया जोड़ के लिया किसी से, 800। हम मांगते टिकट, मांगते हैं सर टिकट चाहिए हम लोग को गांव जाने के लिए। जिसको पैसा जिसने ज्यादा दिया उसको टिकट मिला है? हाँ, 2000 रुपया टिकट बिका, 1500 बिका। नहीं क्यों बोलता राजेश वर्मा का चमचा इसका जैसा, राजेश वर्मा का चमचा है, वो सब क्या करता है टोकन नंबर ले लेता है सबको और पैसा 2000 लेके पर्ची बना के दे देता है और वो सबको रातों रात टिकट दे देता है। टिकट 3 बजे भोर में बांटता है सर, जब सब आदमी सोया रहता है तो टिकट बांटता है। सुबह में क्या झगड़ा हुआ था? सुबह में झगड़ा हुआ, एक आदमी दिया 1,20,000 उससे लिया है, बोला सबका टिकट तुम लोग दे दूंगा, उसको टिकट नहीं दिया, रात को मारा भी है उसको सुबह में, और पुलिस चौकी हो गया केस किया तो हो गया राजेश वर्मा वो पुलिस चौकी वहाँ पे। ये तो टिकट के विषय में जमा हुआ भीड़ है यहाँ पे, क्या सोमवार से ट्रेन चल रही है एक्चुअली, और सबको हम लोग ट्रेन के विषय जो हम लोग टिकट वहाँ पे जो राजेश वर्मा है झारखंड के समाज, वो तो सबके पैसे ले रहे हैं और टिकट उनको क्या मिल नहीं रहा एक्चुअली, सबको पैसे सोमवार को मंगलवार को सब जमा कर दिया हम लोग, ठीक है। और आज सोच लीजिए गुरुवार हो गया, हम लोग का टिकट मिला ही नहीं अब तक। कितने लोगों का टिकट जमा है और पैसा ले लिया? वो तो लगता है करीब 4-5 ट्रेन जितनी होगी वो तो उनको राजेश वर्मा को ही पता है, वो टिकट तो काफ़ी वहाँ पे जमा है लेकिन हम लोग को टिकट 4-5 दिन से मिला जबकि ट्रेन रोज आ रही है। कितने लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या विरोध करें? अभी तो लगभग 1,500 पब्लिक यहाँ पे जमा हो गई है, जबकि हम लोग का मांग है कि वो प्रशासन बोल रहे हैं कि पैसे लेके सुलझा लो काम, लेकिन हम लोग को टिकट चाहिए, हम लोग 4-5 दिन से पैसा नहीं चाहिए टिकट ही चाहिए हम लोग। और पैसा किस तरह का लिया जा गया आपने? पैसा तो टिकट का रेट से ज़्यादा ही लिया गया है, जो लिया रेट के बोलो छोड़ा कहना का मतलब, और वो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है कि हम लोग को टिकट कोई भी हिसाब से हम लोग को टिकट मिलना चाहिए, पैसा लिया हो तो ठीक बात है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को टिकट मिलना ही चाहिए।